अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अमरोज़ मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमरोज़ मुनव्वर। आज हम आपको कराची की फ़िशरी मार्केट दिखाएंगे, फ़िश मार्केट भी से कहते हैं। ये हमारे नैयर दिशान भाई, जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया कराची की तमाम वीडियो में। फ़िशरी मार्केट कराची व्यूअर्स, अगर आपको मछली चाहिए तो फिशरी मार्केट में सुबह सुबह जाएं, क्योंकि 10-11 बजे वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मछली, केकड़े, झींगे वगैरह सब बिक जाते हैं। कंपनीज वाले माल पहले ही बुक करवा लेते हैं, तो जल्दी जाएं ताकि आपको ताज़ा मछली मिल सके। मछली तो हमने ले लिया, अभी इसे साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने का तरीका भी आप देख रहे हैं, ये कुन मछली है, इसे किस तरह साफ़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मछली जब भी आप ख़रीदें तो इसे देख के ख़रीदें, क्योंकि इसके अंदर एक गोली सी होती है जो इन्फेक्शन का बाइस बनती है। उससे मछली का जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहती। आप इसे दबाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसमें गोली है कि इसमें नहीं है। अगर वो फट जाए तो मछली खाने के काबिल नहीं रहती। अंडे बच्चों के सीजन में तो फिशिंग करना ही अलाउ नहीं है। वो फिर बंद हो जाता है, सीजन ही बंद हो जाता है। पर तब भी फिशिंग करेंगे तो फिर ये बचेंगी कैसे? ये कितनी देर में बड़ी हो जाती है? मुझे छोटी मछली से बड़ी होने में कितना टाइम लगता है? इसको साल लग जाता है? साल चार छः महीने लगते, थोड़े पतले लगते भाई। क्या कांटों से लड़ते रहो, मछली खाने का टाइम नहीं मिलता। अरे ये सही है, कांटे नहीं होते। वो सही बोलता ना, जो नहीं तेरे ही होते हैं, तो बड़ी चीज को फाड़ के ले आए। कौन सा, क्या कोई जुगत है ना मेरे? कौन सी है चाचू? चाचू को सही आते कौन सी? क्या कहते हैं स्टेज शो में होता ना, साले में पानी 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 इतनी सी बोटी थी इसी मछली खा खा बड़ी दूर फाड़ के ले आए। तेरा ही हौसला, तू दूर फाड़ के ले आया। मेरे को इतनी नहीं पड़ी महंगी भी मिलते बड़े जाने, उसकी वजह ये किस्सा है ना। करना
वजन वाली मशीन भी सही होगी। खैर कोई गल नहीं है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल अमरोज़ मुनव्वर को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।